तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाल शॉर्ट में एक बार फिर से। तो आज का टॉपिक है इसके सस्पेंशन पे है, अल्टो। ये देखिए गाड़ी नई है, काफ़ी बिल्कुल भी पुरानी नहीं है, लेकिन ये जो देखिए इसमें आवाज़ आ रही है, ये देखिए दशकों में चलाने पर ये देखिए कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। ये देखिए आपको आ रही है नहीं आ रही, मैं विंडो नीचे करके सुना देता हूँ एक बार पहले कन्फर्म। ये देखिए आवाज़ आ रही है, गड़गड़ की आवाज़ आ रही है, कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, तो इसके ऊपर बात करेंगे आज। तो अभी तो आप आवाज़ सुन लीजिए, ये देखिए, और फिर मैं आपको करके बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है और कैसे होता है, क्या प्रोसेस है पूरा। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, दशकों में चल रही है, जबकि गाड़ी नई है, कोई पुरानी नहीं है। ये देखिए गाड़ी नई है, ज़्यादा नहीं चली है, कम ही चली है, मैं दिखा देता हूँ कितनी चली है। ये देखिए इतनी चली है बस, और इतने पे ये देखिए कितनी ज़्यादा आवाज़ करने लग गई आगे। तो चलो मैं खोलता हूँ पहले इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ पूरी डिटेल। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये हम खोल चुके हैं। अब इसमें मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी है, यानी ज़्यादा खास बड़ी नहीं है। अब आप क्या मैकेनिक क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, जो चीट का काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यूँ बोल देते हैं इसकी स्टेयरिंग भी डलेगी, क्योंकि स्टेयरिंग की रेक बुश कट गई, और इसके शोकर के गुटके भी डलेंगे, सब डलेंगे, यानी ये सब बोल के आपको बोल देते भाई इसमें करीबन 10,000 रुपये का खर्चा है। भाई 10,000 का खर्चा बताया, क्योंकि जैसे आप चला के देखते हो ना गाड़ी बहुत भयंकर आवाज़ करती है, गड़गड़ गड़गड़ नीचे से। तो आपको पूरी चीज़ें ख़त्म बताते हैं, भाई स्टेयरिंग भी डलेगी, ये भी डलेगी, आप गाड़ी छोड़ जाओ, आपकी गाड़ी में बहुत काम है, या फिर 2-3 घंटे का काम है, अभी बाद में होएगा। तो चाहे आपकी स्टेयरिंग नहीं होगी, सही होगी ना, तो भी वो जैसे मान लो उनको अगर पैसे बढ़ाने होंगे तो वो निकाल के और नई डाल देंगे और पुरानी को रख लेंगे। तो मैं बता देता हूँ मेन चीज़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो है ना आवाज़ करती है ना अल्टो वगैरह इन गाड़ियों में, सभी गाड़ियों में, तो सबसे पहले बताऊँ क्या कटता है। ये देखो ये जाता है, ये देखो ये कैलिपर, ये देखो ये हिल रहा है बहुत तेज़, ये देखो इसकी आवाज़ आएगी आपको, ये आवाज़ आ रही ना, ये देखो सिर्फ ये आवाज़ है ना, जब अपन गाड़ी दशकों में चलाते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर ना इसमें एक पिन यानी जॉइंट आता है, वो लोहे का आता है, दोनों जब वो कट जाती है ना, तो उसके बाद में गाड़ी बहुत तेज़ आवाज़ देने लग जाती है नीचे, जिससे ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में सब कुछ ही टूट चुका हो, और काफ़ी तेज़ आवाज़ आने लग जाती है, जिससे आपको ना जो फ्लोर का काम करते हैं वो मैकेनिक बोलते हैं कि स्टेयरिंग भी ख़त्म है, और इसके शोकर भी ख़त्म है, और इसके यानी आर्म वगैरह सब ख़त्म बता देते हैं। लेकिन इस गाड़ी में देखो सिर्फ यानी कैलिपर ख़त्म है, इसके सिर्फ ये कैलिपर, और कैलिपर के साथ साथ देखिए हम इसके आरम भी डाल रहे हैं, क्योंकि ये 70,000 से ऊपर चल चुकी है, तो इसका आरम भी चेंज कर रहे हैं, और ये कैलिपर के पूरे कंप्लीट चेंज कर रहे हैं, जिससे गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, ना इसमें कोई स्टेयरिंग का खर्चा है, ना इसमें कोई शोकर का खर्चा है, सिर्फ ये कैलिपर डलेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो क्या क्या करवाना है, क्या क्या डलवाना है, और कितना अमाउंट बैठेगा इसमें, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी इन चीज़ों से बचे रहें, इन फ्रॉड का जो काम करते हैं उनसे बचे रहें। और आप अगर जैसे मान लीजिए मैं बता दूं आपको, अगर आप कंपनी में भी लेके जाएंगे तो कंपनी भी आपके पूरे स्टेनिंग वगैरह सब नहीं डालेगी, और आपको 10 से 15 हज़ार का बिल दे देगी हाथ में। अगर आप यही काम अगर जैसे आपकी नॉलेज के हिसाब से कराएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और ये मान के चलिए इतने जल्दी स्टेयरिंग वगैरह ये ख़त्म नहीं होती है, जो आपको बता देते हैं ना, 60-70 हज़ार रुपये की स्टेयरिंग ख़त्म हो गई, शोकर भी ख़त्म हो गए, ये सब नए डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सिर्फ ये देखिए कैलिपर कितनी ज़्यादा बात कर रही है, देखिए इसमें देखिए 4, ये देखिए, और ये देखिए आवाज़ है ना, ये आती है आपको गाड़ी में बहुत तेज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ टूट चुका हो नीचे से, इस तरीके की आवाज़ आने लग जाती है। इस वजह से आप लोग सोचते हैं कि यार इसमें तो ज़्यादा खर्चा है यार, वाकई में काफ़ी आवाज़ कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ये टुकड़ा आवाज़ करता है, और अगर आप ये डला लोगे तो भी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं इसमें क्या इसमें थोड़ा आराम वगैरह सब चेंज कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, क्योंकि गाड़ी मेरे यहाँ से काफ़ी दूर से आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं रहता हूँ जयपुर के पास, और ये गाड़ी आई है मेरे पास कोटा से, मतलब 200 किलोमीटर से आई है, तो मैं इसका आराम वगैरह सब बढ़िया चेंज कर रहा हूँ, इसके गुटके वगैरह सब, फिर भी इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है। देखो मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको बता दूँगा टोटल कितना खर्चा आया, अभी तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ये देखिए अभी मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। देखो तो दोस्तों ये जैसे कि ये देखिए ये इसके डिस्प्ले है, ये भी ओरिजिनल है, ये भी TVS के, और ये इसका कैलिपर है, ये देखिए, और ये सोना का आरम है, और ये इसके उस किट है, पूरा पूरा सोना कंपनी का,
ये देखिए बिस्किट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आते हैं, बढ़िया आते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अब जैसे आराम के जैसे मान लीजिए गुटके देखे तो देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या होता है, ये देखिए अंदर से देखो कितने लूज है, ये देखिए अंदर से बिल्कुल लूज हो चुके हैं, तो ये ख़त्म है। अब मैकेनिक क्या बार बार से चेक करता है, बताता है हाँ भाई ठीक है, लेकिन जैसे अंदर से लूज हो जाते हैं, ये देखिए अंदर से लूज है, इसका मतलब ये ख़त्म है। तो ये गाड़ी की क्या सस्पेंशन आवाज़ करेगा। और ये देखिए केली पर जो पुराना दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए इसकी पिन है ना, ये अंदर से कट जाती है, देखो इसमें देखो चाल, ये देखो ये बहुत ज़्यादा चाल हो चुकी है इनमें, तो ये आवाज़ करेगा बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगा पूरा सस्पेंशन ख़त्म हो। तो इन चीज़ों का बस एक तो ये डलेगा इसमें, अब देखिए हम डिस्प्ले है ना इसमें एडवांस आ रहे हैं, मतलब ये देखिए इसके ठीक है, इसे चलने लायक है अभी, लेकिन फिर भी हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी क्या काफ़ी दूर से आई है, इसलिए इनका चेंज करना ज़रूरी। तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, देखो एक तो क्या डलवाना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये, ये देखिए इसमें पूरा किट आता है, इसके साथ में नट वगैरह सब आते हैं, ये देखिए नया, और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी चाल नहीं है। अब ये क्या, ये नया लग जाएगा तो इस गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, नीचे से कोई आवाज़ नहीं आएगी, ये देखिए बिल्कुल एक नंबर है, बिल्कुल बढ़िया, और ओरिजिनल TVS कंपनी का। तो इसी तरीके से अगर आपकी गाड़ी में भी ये आवाज़ आए ना, तो अगर कोई आपको स्टीयरिंग वगैरह सब ख़त्म बताया तो ऐसा नहीं करना, पहले ये चेक कराना भाई ये आवाज़ तो नहीं कर रहे। अगर ये आपको जो इनको चेक करने का तरीका भी आपको बाहर से हो जाएंगे, ये आपको टायर के जोर से जो हत्ती मारनी है, जैसे आप हत्ती मारोगे तो टायर आवाज़ करेगा खड़खड़, यानी इसमें घुंघरू की तरह बजेंगे, तो समझ लेना ये ख़त्म है, और आपको ये डला देना है और गाड़ी में कोई खर्चा नहीं होता है। तो फिलहाल तो मैं क्या ये पूरा सब डाल रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये आराम चेंज कर रहा हूँ इसके, ये आराम भी चेंज कर रहा हूँ, ये भी चेंज कर रहा हूँ, इसके डिस्प्ले भी चेंज कर रहा हूँ, और इसके बैलेंस आड़ के बुश भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैलेंस आड़ के बुश क्या कट चुका है अंदर से, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चाल हो चुकी है, तो ये भी चेंज कर रहा हूँ, जिससे कि गाड़ी में बढ़िया काम हो जाएगा, ताकि 2-3 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देख लीजिए, ये मैं लगा देता हूँ पहले, फिर आपको डिटेल बताता हूँ, इनकी प्राइस वगैरह सब बताऊँगा मैं आपको, टेंशन मत लो, कितना टोटल खर्चा होता है वो भी बताऊँगा। तो अभी तो इनको फिट कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में वीडियो बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों काम चल रहा है, एक आराम लगा दिया है और ये कैलिपर भी लगा दिया, अब इसमें ये लेदर लगाने बाकी हैं, देखिए ये लेदर लगा रहे हैं, सबसे मेन चीज़ होती है ये लगा दिया है लड़कों ने, बढ़िया। ये देखिए अब बिल्कुल भी चाल नहीं है, अब इसकी बिल्कुल पूरी आवाज़ साइलेंट हो जाएगी। अब ये लेदर लगा देते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, लास्ट में चला के दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ी कम्प्लीट है, अब इसका आपको चला के दिखाएँगे हम बढ़िया तरीके से, गाड़ी कम्प्लीट है। और मेन पॉइंट की जो बात है ना वो मैं बता देता हूँ आपको, देखो मेन ज़रूरी चीज़ है बिल, ये देखिए ये इसमें सामान डला है, ये इसमें सामान डला है, ये देखिए ये 2,910 रुपये, तो ये 3,000 का मान लीजिए आप राउंड फिगर में, जैसे मान लीजिए भाई 3,000 का आसपास मान लो ये सामान, 3,000 का इसमें पार्ट डला है, और ये 2-3 साल के लिए नीचे से सारी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। अब इसी ही काम को करने के, जैसे कई बार क्या होता है कई मैकेनिक चला के देखते हैं और नीचे से आवाज़ बताते हैं, फिर आप भी सुनते हो आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है, तो आपको क्या बोलते हैं सर इसकी स्टीयरिंग भी डलेगी, इसकी स्टीयरिंग खुलेगी, शॉकर खुलेंगे, इसके आर्म खुलेंगे, ये सब डलेगा, इसमें करीबन 8-10 हज़ार का खर्चा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, इतनी नई गाड़ी जैसे कि मान लीजिए 70-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, उसमें स्टीयरिंग ख़त्म बताना और शॉकर के गुटके ख़त्म बताना, ये सब चीज़ें नहीं होता है इतने टाइम में। जैसे मान लिया अब इसमें कैलिपर आवाज़ कर रहे थे, मैं चाहता इसमें कैलिपर डालकर भी इसकी आवाज़ साइलेंट कर देता, लेकिन मेरे को इसका काम इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें डाली है ताकि ये गाड़ी 200 किलोमीटर दूर से आई है, तो ये गाड़ी वाले को बस ये आगे प्रॉब्लम नहीं आए, ये आने वाले दो साल तक तो गाड़ी नो टेंशन हो जानी चाहिए, यानी बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये देख लीजिए ये खर्चा है, और मैं मेरा बता देता हूँ, मैं 400 रुपये यानी कि इन चीज़ों को डालने के चार्ज करता हूँ, तो ये मान के चलिए आप राउंड फिगर में 3400 रुपये के आसपास यानी 3500 रुपये के आसपास का इसका टोटल खर्चा हुआ है, और ये गाड़ी अब 2-3 साल के लिए नीचे से बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। तो ये तो मैं इसकी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी, ये मैं बिल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लड़कों ने क्या जो कार्टून थे ना इनके वो सामान के कार्टून तो फेंक दिए हैं कचरे में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बिल ही दिखा रहा हूँ पूरा, ये देख लीजिए टोटल है। और इसके अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं, और आपकी गाड़ी नीचे से एक नंबर हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी में अगर इस तरीके की आवाज़ आती है समझ लीजिए आपको क्या करवाना है। अगर कोई भी आपको यूँ बोलता है भाई स्टीयरिंग ख़त्म है, शॉकर ख़त्म है, ये सब ख़त्म है, ये सब नहीं डलेंगे, इसमें 10-15 हज़ार का खर्चा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको चेक करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको सिंपल, ये और बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी नीचे से आवाज़ करती है काफ़ी ज़्यादा गड़गड़ गड़गड़, और आपको करना क्या है, चेक कैसे करना है, यह नहीं है यहाँ पर देखिए, यूँ लात देनी है आपको, ये दोनों तरफ
अब जैसे अपन लाते रहे ना, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। अगर इसमें ख़राब हो गई होगी ना वो कैलिबर पिन है, तो ये खर खर यानी घुंघरू की तरह बजेगा, तो समझ लो आपका कैलिबर ख़राब है और कुछ नहीं है। तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको, और चलो चला के दिखा देते हैं इसकी आवाज़ और चलाते हैं। तो अभी हम आपके लिए ले आए हैं गाड़ी को, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ख़राब रोड पर। और अब देखिए दोस्तों, यानी कि गाड़ी की आवाज़ कितनी प्यारी है, ये देखिए कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ ये चाबी का छल्ला है ना, ये टकराने की आवाज़ आ रही है अभी। और गाड़ी में नीचे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, यानी अब जो कस्टमर गाड़ी लेके जाएंगे ना, वो कस्टमर को अब आएगा, यानी ये मान लीजिए कस्टमर का दिल खुश हो जाएगा, इतनी प्यारी आवाज़ बन चुकी है। पहले इसमें ये कंडीशन थी दोस्तों, जैसे नीचे कोई घुंघरू बजते हैं ना, इस तरीके से बहुत तेज़ बज रही थी ये गाड़ी, हल्की सी दो चीज़ों में ले जा करने पर ही बहुत तेज़ बज रही थी। और अभी ये देखिए बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं बची गाड़ी में, बिल्कुल गाड़ी साइलेंट हो चुकी है। ये देखिए मैं बाहर से भी सुना देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने पहले दिखाया सुनाया था, फिर से सुना देता हूँ। ये देखिए दोस्त, ये देखिए बाहर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी में, बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है गाड़ी नीचे से। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या है, आपको भी इसी तरीके से गाड़ी का काम कराना है आपको। अगर आपको कोई भी यूँ बोल रहा है ना कि भाई इसके अंदर 15,000 लगेंगे, इसमें तो स्टीयरिंग डलेगी, वो भी डलेगा, तो वो दोस्तों पहले आपको चेक कराना है। छोटा प्रोसेस, मेरा क्या कहना है, छोटा प्रोसेस में इस काम में क्या है कि कैलिबर चेक कराना, इसका कैलिबर है ना वो चेक कराना, इसके कैलिबर चेक कराओ। और अगर कई क्या करते हैं, कैलिबर पिन है ना, उनके ऊपर टेपलॉन लगा कर भी काम चला देते हैं, लेकिन दोस्तों वो आपको नहीं करवाना, वो क्या एक तरीके का जुगाड़ है, वो कभी भी फेल हो जाता है। तो आपको मैंने कि भाई कैलिबर चेंज करवाना है और आपकी आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक छोटे से खर्चे से हो सकता है, अगर आपके कैलिबर ही कर रहे होंगे ना आवाज़, तो वो आपके ज़्यादा यानी कि 1400 से लेकर 1600 रुपये तक में आ जाएंगे वो, और आपके आपकी गाड़ी दो से तीन साल तक के लिए नो टेंशन हो जाओ, कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी। तो आपको इसी तरीके से काम कराना है आपकी गाड़ी का, ये नहीं है किसी ने आपको बोल दिया भाई इसमें सब काम होएगा, इसमें 15,000 का खर्चा है तो आप गाड़ी छोड़ के आ जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके हिसाब से पहले चेक कराना है, छोटा प्रोसेस दिखाना है, फिर उसके बाद में काम कराना है, ताकि कोई भी चीट का जो मैकेनिक काम करते हैं ना, उनके झांसे में आप नहीं आ सको। मैं इसीलिए वीडियो बना कर डालता हूं पब्लिक को, ताकि पब्लिक अपने प्रॉफिट के लिए अपने काम को ध्यान रखे, किस तरीके से कराने का तरीका मेन तरीका क्या है, छोटा प्रोसेस हमेशा आपको अपनाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं दोस्तों एक और कोई बेहतरीन वीडियो में, जो आप लोगों के फ़ायदे की होगी, आप लोगों के लिए कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी, और हमेशा पब्लिक प्रॉफिट की वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आगे भी मैं इस आपके लिए यानी कि इस पर जो वीडियो डालने वाला हूँ वो हमेशा पब्लिक फ़ायदे की होगी। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके फ़ायदे की होगी और बेहतरीन होगी और मैकेनिकल होगी, ताकि आपको कोई भी चीट का काम करने वाले मैकेनिक, सबकी नहीं कहता हूँ मैं, जो चीट का काम करते हैं उन मैकेनिकों से आपका बचाव मैं हमेशा करता रहूँगा। और अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, जो आपको मेरे से बात करके आप उसका सोल्यूशन भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी गाड़ी हो मैं आपको अच्छी एडवाइस दूंगा। अगर आप दूर हो तो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा, आपको किस तरीके से काम कराना है, ताकि आपसे कोई भी फालतू पैसे चार्ज ना कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बेहतरीन होगी और आपके फ़ायदे की होगी और मैकेनिकल होगी। थैंक यू सो मच।